बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलके ट्यूटर। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप पुराने हैं तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी द कमेंट बॉक्स। दिस चैनल इज़ अबाउट फॉर द न्यू वंस, दिस चैनल इज़ अबाउट द बायोलॉजिकल साइंसेस सब्जेक्ट्स एंड द टॉपिक्स रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी टॉपिक रिलेटेड टू द बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेस सब्जेक्ट्स, यू कैन आस्क मी। So today with a new video and with a new topic, that is the origin of life, कि हमारी life जो है वो कैसे originate हुई है, हम लोग कैसे आए हैं। मतलब अगर according to science हम लोग देखें तो इसके ऊपर different theories present की गई थी, ठीक है। Theory of eternity of life, special creation theory, बहुत सी theories पेश की गई थी, ठीक है। तो हम उनमें से कुछ को पढ़ेंगे कि वो theories क्या कहती हैं, that how we originate, how the origination of life, how the natural origination of life take place. तो like आप समझ सकते हैं, we are Muslims, so we have idea that there is only a single power, that is almighty Allah, जिसने हम सबको क्या किया है, पैदा किया है। Everything in the world, everything you see in your environment around you, ये सारी किसने पैदा की हैं, almighty Allah ने। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस डिफरेंट साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज दिस। सो वी विल स्टडी इंशाल्लाह। टुडे टॉपिक इज स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर क्रिएटेड बाय अ सुपर नेचुरल पावर, दैट इज़ ऑलमाइटी अल्लाह। इस थ्योरी ने हमें क्या कहा था कि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ क्रिएट हुई हैं वो किसने की हैं, एक सुपर नेचुरल पावर है, डेट इज़ कॉल्ड द ऑलमाइटी अल्लाह बेशक। एंड दीज लाइफ फॉर्म रिमेन अनचेंज, और ये लाइफ फॉर्म्स चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये अनचेंज ही रहेंगी, ठीक है, इनमें कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती, ठीक है। कोई भी अपने आप से, कोई वन पर्सन कैन नॉट चेंज दीज फॉर्म्स ऑफ लाइफ। फिलासफर हु बिलीव इन द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी आर कॉल्ड क्रिएशन बायोलॉजिस्ट, ठीक है। वो वाले साइंटिस्ट जो कि क्रिएशन थ्योरी पे बिलीव करते हैं, ठीक है, फिलासफर या साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट आर कॉल्ड क्रिएशन बायोलॉजिस्ट, और उनमें से एक जो है फादर सुरेजी भी हैं, ठीक है। फादर सुरेजी इज़ आल्सो क्रिएशन बायोलॉजिस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द होल यूनिवर्स वाज मेड इन 6 नेचुरल डेज, ठीक है, कि जितनी भी यूनिवर्स है वो 6 दिनों में बनाई गई थी, ठीक है। वो कैसे बनाई गई थी, लाइक वो कहते हैं कि इन द फर्स्ट एंड सेकंड डे मीडिया प्राइमा आर मैटर वाज मेड, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट 2 दिनों में हमारे पास क्या मीडिया प्राइमा, या फिर हम कहते हैं क्या कहते हैं, मैटर वाज मेड। द थर्ड डे एंसेस्टर ऑफ ऑल प्लांट्स वर मेड, एंड ऑन द फोर्थ डे, दिस इज द मिस्टेक, हियर वी कैन से फोर्थ, थर्ड डे एंसेस्टर ऑफ ऑल प्लांट्स वर मेड, ठीक है, जितने प्लांट्स के एंसेस्टर थे वो बने थे, और ऑन द फोर्थ डे एंसेस्टर ऑफ ऑल एनिमल्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि फोर्थ डे पे हमारे पास जितने भी एनिमल्स थे उनके एंसेस्टर बनाए गए थे, ठीक है। वी कंसीडर ऑन द फोर्थ एंड फिफ्थ डे एंसेस्टर ऑफ ऑल एनिमल्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। चौथे और पाँचवें दिन क्या हुआ था, जितने भी एनिमल्स थे उनके एंसेस्टर की फॉर्मेशन हो गई थी। एंड ऑन द सिक्स्थ डे ह्यूमन बीइंग वाज ओरिजिनेटेड, ठीक है, और इंसान कितने 6 दिन में इंसान बन गए थे। और फ्रॉम द 12th रिब ऑफ आदम डेवलप ईव, और वी आल्सो बिलीव इन दैट सेंटेंस कि हम जो थे, ठीक है, 12th रिब ऑफ आदम से बीबी हवा को पैदा किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ों पर हमारा बिलीव है। वी आल्सो बिलीव इन द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के जितनी भी क्रिएशन है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द ऑल मटेरियल एंड वाज मेड बाय द ऑल माइटी अल्लाह। सो वी आर मुस्लिम द वर्ल्ड आल्सो बिलीव इन द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। द सेकंड थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ स्पोटेनियस जनरेशन आर ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ स्पोटेनियस जनरेशन मतलब एकदम से कोई चीज़ पैदा होगी,
वो कैसे हुई, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिविंग थिंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, कहा जाता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट हुई हैं, पैदा हुई हैं, ये थ्योरी कहती है। और इसका फॉलोअर कौन है, एपिक्यूरस है, ठीक है, बहुत से फॉलोअर हैं, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो एपिक्यूरस हैं इसके फॉलोअर, वो कहते हैं कि स्मॉल इंसेक्ट्स वर्म्स हो गए, ठीक है, जितने भी छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए थे, डिवेलप फ्रॉम सॉइल और मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर हीट ऑफ सन एंड एयर। लाइक जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिवेलप हुई हैं ना, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जितने भी स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स वगैरह हो गए, वो किधर से डिवेलप हुए हैं, सॉइल से, ठीक है। अब सॉइल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, मतलब सॉइल जो होती है या मेन्योर वो नॉन लिविंग है, और स्मॉल इंसेक्ट या वर्म्स हमारे पास क्या हैं, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उन्होंने क्या कहा कि नॉन लिविंग से डिवेलप होंगे बाय द एक्शन ऑफ, मतलब मॉइस्चर, हीट ऑफ सन, एयर, ये चीज़ें एक्शन में आएंगी तो हमारे पास स्मॉल इंसेक्ट की फॉर्मेशन होगी। डैट इज़ अ रॉन्ग, वी आल नो डैट दिस इज़ द रॉन्ग थ्योरी, क्योंकि हमारा बिलीव यही है कि मतलब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू स्टडी, ठीक है, हमें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि किसने क्या कहा था। और एट द लास्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अप्रूव थ्योरी है वो डैट इज़ अ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है, जो जिसके ऊपर हमारा बिलीव भी है। और अब जो हमारे पास जितने भी लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, दे आल्सो बिलीव ऑन द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है लेकिन लोगों के अंदर, ठीक है, यू कैन हाउ यू कैन इमेजिन दैट द थिंग्स दैट आर नॉन लिविंग and the living things that they can take the breath originated from the non-living things, this is idealism only we can say that, ठीक है, but the reality is quite different, in which we study that the only there is a single super power that is almighty Allah, जिसने तमाम चीज़ें जितनी भी living organisms हैं, plants, animals, worms, insects, human being, ये सारी चीज़ें किसने पैदा की हैं, almighty Allah। जो सेकंड साइंटिस्ट थे दैट इज़ द एनागोरस, जो कि मतलब फॉलोअर थे इसके, थ्योरी ऑफ सुपरटेनियस जनरेशन आर एबायोजेनेसिस थ्योरी जो थी इसके फॉलोअर थे, और वो उन्होंने क्या कहा था कि लाइफ इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम टीनी सीड्स, ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो लाइफ हमारे पास है वो ओरिजिनेट हुई है टीनी सीड्स या स्पर्मिया से, विच केम डाउन विद द रेन फ्रॉम द एटमोसफेयर ऑन द अर्थ, मतलब रेन हुई उधर से टीनी सीड एटमोसफेयर से रेन के साथ आए ज़मीन के ऊपर, और वहाँ पे वहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हो गई, मतलब वो रेन के साथ ही नीचे एटमॉस्फेयर से नीचे आए ज़मीन के ऊपर, और वहाँ पे उनकी मतलब वहाँ से लाइफ यहाँ पे आके नीचे वो गिरेज हुई तो वहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हो गई, ठीक है, ये इनका ये बिलीव था, ठीक है। और द थर्ड वन इज़ एरिस्टोटल, ठीक है, फेमस पर्सन, यू कैन आल्सो सी इन द डिफरेंट बुक्स देयर नेम एंड देयर वर्क इन डिफरेंट हिस्ट्री लेवल लाइक फॉसिल रिकॉर्ड्स, their main works also on the their fossil records, the plants, animals, whatever. According to him, not only the simple organisms but complex organisms like frog, salamander, eels, alligators, even plants develop from mud. इन्होंने क्या कहा था कि एरिस्टोटल ने कहा था कि सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि जितने भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स हैं लाइक फ्रॉग्स हो गए, सलेमेंडर हो गया, ईल्स हो गई, एलिगेटर्स हो गए, इवन प्लांट तक उन्होंने कहा था कि वो किससे डेवलप हुए हैं, मड से डेवलप हुए हैं, ठीक है, इनका ये बिलीव था, मतलब इनका बिलीव था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं ना तो वो नॉन लिविंग थिंग्स से डेवलप हुए हैं, ठीक है, तो इनका इन सब इस थ्योरी का ये बिलीव था बेसिकली। सो आज हमने दो थ्योरी पढ़ी, ठीक है, और इसकी जो थ्योरी ऑफ स्पोरेनियस जनरेशन मतलब बिलीव की बात है ना, हम लोग जो जो मुस्लिम्स हैं वो बिलीव करते हैं, ठीक है, ऑन द सिंगल आलमाइटी अल्लाह, बस इसके अलावा वो किसी और चीज़ पे बिलीव नहीं करते, ठीक है, कि लाइफ जो है वो उन्हीं की दी हुई है, वही पैदा करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ऑल अराउंड अस देख रहे हैं वो सारे आलमाइटी अल्लाह सुपर नेचुरल पावर ने पैदा किए हैं, ठीक है। सो डिफरेंट थ्योरीज की गई थी जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ था, ठीक है, फॉलोअर्स भी थे, क्रिटिसिज्म भी किया गया था, मतलब बताया गया था कि इसमें कौन से पॉइंट्स ठीक हैं कि नहीं ठीक, ये ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब क्रिटिसाइज़ किया हुआ था, वो थ्योरीज जो थी वो हुई थी, लेकिन बस इसका कोई वो नहीं रहता बाद में, ठीक है। तो आज जो हमने दो पढ़ी हैं डैट इज़ द मतलब हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, हम कैसे आए हैं, तो उसमें वो डिफरेंट थ्योरीज देते हैं।
तो हम लोगों ने जो पहली थ्योरी पढ़ी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है, हमारा बिलीव उस पर, हम उसी पर बिलीव करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ स्पोंटेनियस जनरेशन, जिन्होंने इसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, कह सकते हैं वो लोग। इसके तीन फॉर्मर्स हम लोगों ने पढ़े। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।